सद्गुरु कबीर ने कहा है, हद चले सो मानवा, बेहद चले सो साध, हद बेहद दो तजे ताकर मता आगाध। जो हद चलता है वो मनुष्य, जो बेहद चलता है वो साधु है, और जो दोनों से ऊपर उठ जाता है उसका मत अगाध है। हद है गृहस्थी, बेहद है विरक्ति, और हद बेहद से ऊपर है गुणातीत अवस्था। मनुष्य की तीन श्रेणियां, गृहस्थी, विरक्ति और गुणातीत अवस्था। अधिकतम लोग गृहस्थ होते हैं, गृह छोड़ करके कुछ लोग विरक्त होते हैं, और उनमें सही विरक्त और कम होते हैं और गुणातीत और कम होते हैं। गृहस्थी का दायरा सबसे बड़ा है। गृहस्थ किसे कहते हैं? गृहस्थ का शाब्दिक अर्थ होता है गृह अस्थ, गृह घर, अस्थ स्थित, ठहरना रहना। जो घर में रहे वो गृहस्थ, घर में सब रहते हैं, साधु भी रहते हैं। आश्रम में रहते हैं तो आश्रम भी घर ही है, और जब आपके घर में जाते हैं तो आपके घर में रहते हैं। इसलिए वैवाहिक बंधन में बंद करके जो रहते हैं वो गृहस्थ है, ये इसकी सही परिभाषा है। विवाह में क्यों बंधते हैं? क्योंकि सब बिना विवाह किए ठीक से नहीं रह पाएंगे। सब में उतना ख्याल नहीं होता, उतनी ऊंचाई नहीं होती है, इसलिए विवाह धर्म है। विवाह क्यों करते हैं? युवक के मन में युवती के लिए और युवती के मन में युवक के लिए आकर्षण। विवाह करने के बाद कुछ दिन में वो आकर्षण विकर्षण के रूप में बदल जाता है, समझ में आ जाता है। लेकिन आसक्ति के बस आदमी भटकता रहता है। विवाह वैराग के लिए है। विवाह के पति पत्नी इकट्ठे हुए दुनियादारी को देखे और लग जाना चाहिए, निस्सार है। एक दो संतान हो गई काफी है, संयम से रहो, कोई फायदा नहीं, अपने को उलझाने से कोई फायदा नहीं। आत्मा का कल्याण संयम में, ये भी ध्यान देना चाहिए। कुछ लोग होते हैं उनके बच्चे नहीं होते हैं, जिनके बच्चे नहीं होते वो बहुत दुखी रहते हैं, लेकिन दुखी होने की जरूरत नहीं। विवाह पहली जिम्मेदारी है। विवाह हो गया, एक अपरिचित लड़की का मन, एक अपरिचित लड़के का मन ढोना उन दोनों को पड़ता है जीवन भर, यही जिम्मेदारी काफी है। अगर संतान नहीं आई तो अच्छा हुआ। पति पत्नी तो यह है कि कम से कम आज तक मिल लेते हैं पहले ही विवाह के, कुछ जान समझ लेते हैं। बच्चा पैदा होता है उसका तो पता नहीं कैसे संस्कार का होगा, तो अगर किसी के बच्चे नहीं हुए तो परेशानी क्या है? बच्चे वाले सब सुखी हैं। ये साधु महात्मा जान समझ करके रास्ता छोड़ देते हैं और बच्चे में नहीं पढ़ते हैं। अगर आपको प्रकृति ने ऐसा कर दिया तो क्यों उलझते हैं? अगर समझ हो तो गैर बच्चे वाले बच्चे वालों से अधिक सुखी रह सकते हैं, क्योंकि उनका समय, उनकी शक्ति सब अध्यात्म में लग सकती है। जिनके बच्चे हैं जिम्मेदारी है उनको निभाए, बच्चे नहीं हैं वो झंझट नहीं, सत्संग साधना में वो जोर से लग सकते हैं। इसलिए जिसके संतान नहीं है वो संतान के लिए दुखी ना हो। और एक ये भ्रम कि संतान तरन तार करेगी, कौन किसका तरन तार करता है?
पिंडदान करने से पुरखे तरते हैं, बिल्कुल काल्पनिक बात है। तरन तार अपने कर्मों से होता है, तरन तार कोई अदृश्य नहीं है। अपना मन अगर वर्तमान में सुखी है, संतुष्ट है, निर्भय है, तो हम तर गए। अपना मन उलझा है, उद्वेगित है, अशांत है, तो हम डूब रहे हैं। बच्चा हमारा क्या कर देगा? हम मर जाएंगे तो पिंडदान कर देगा तो हम तर जाएंगे। ये गोरख धंधा है, पिंडदान गोरख धंधा। और ये गोरख धंधा पंडितों ने अपना चलाया है, चलाया है, ठीक है, जहां चलता है चलता है। लेकिन ये तो समझो कि पिंडदान से बच्चा होगा, पिंडदान करेगा तो आप स्वर्ग में चले जाएंगे, ये सब प्रपंच में मत पड़िए, कुछ नहीं होगा। जीव जो करता है अपने कर्म के संस्कारों को लेके चलता है और उसे अपने ही कर्मों का फल भोग भोगना पड़ता है। बच्चे पीछे कितना दान पुण्य कर दें, उसको कुछ मिलने वाला नहीं। श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा पूर्वक कर्म। पिता मर गया, पुत्र सारा धन खा ले, अच्छा नहीं है, उसमें एक हिस्सा लोक मंगल के लिए निकाले। सेवा की तीन जगहें, पवित्र आत्मा, असहाय और सार्वजनिक सेवा। पवित्र आत्मा जिसको हम कहते हैं, ब्राह्मण कभी कहा गया था ब्राह्मण की पूजा, तो उस समय ऐसे ब्राह्मण होते थे जो पवित्र आत्मा और तपस्वी होते थे, वे समाज में ज्ञान विज्ञान के प्रकाशक होते थे और अपने शरीर के लिए धंधे नहीं करते थे, जन सेवा ही में लगे रहते थे। तप और जन सेवा, उनकी सेवा जरूरी थी। अगर आज कोई ऐसा है तो आज भी जरूरी है। बहुत दिनों से संतों का प्रभाव बढ़ा, वैदिक परंपरा में भी कुछ बढ़ा, लेकिन श्रवण परंपरा से ज्यादा बढ़ा। तो संत कहो, ब्राह्मण कहो, कुछ कहो, जो समाज की सेवा में लगा हो, ज्ञान विज्ञान द्वारा अपना साधना करता हो, तप करता हो, समाज को अच्छी राय देता हो, ऐसे पवित्र आत्मा की सेवा में लगाना। दूसरी जगह है जो असमर्थ है, उनकी सेवा जो बन सके करना चाहिए। तीसरी बात है जो सार्वजनिक जगह है वहां पर करना चाहिए, जैसे कि गांव से बाहर जाने में बरसात में कठिनता होती है, पानी है, पशु मनुष्य सबको जाना पड़ता है, एक पुलिया बना दिए और उसमें गांव वाले थोड़ा इकट्ठा करके पैसा ये काम कर लिए तो बहुत बड़ा काम हुआ। स्कूल कायम कर दिए, औषधालय कायम कर दिए, सत्संग आश्रम कायम कर दिए। तो पवित्र आत्मा की सेवा में, असमर्थ की सेवा में, सार्वजनिक सेवा में कुछ अपना लगाना। पिता मर गया तो अपने धन का उपयोग ऐसे अच्छी जगह में लगाना, ये श्राद्ध कर्म। श्राद्ध कर्म श्रद्धा पूर्वक कर्म, पिता की स्मृत में या किसी की भी स्मृत में जो मर गया है कुछ अंश लगाना कोई अच्छे काम में, या एक ऐसी संस्था कायम कर दी जाए कि उसमें लोग ट्रस्टी हों और खाता खोल दिया जाए, पैसा जमा किया जाए और गांव में जो असमर्थ बच्चे हैं और मेधावी हैं उनको खर्च दिया जाए और पढ़ाया जाए। कोई भी समाज की सेवा, पवित्र आत्मा, असमर्थ और समाज की सेवा में लगाना, ये श्रद्धा पूर्वक कर्म है, यही श्राद्ध है और ये करना अच्छा है। तो पिता को पुत्र तारेगा, तारेगा क्या, डुबाएगा, मोह माया बढ़ेगा उसमें, आप डूबेंगे तरे बढ़ेंगे नहीं। और पुत्र के लिए तो पता नहीं क्या क्या करने लगते हैं लोग, ऐसा ऐसा अपराध करते हैं कि बुढ़ापा में पछताते हैं।
एक सज्जन ऐसा ऐसा कुछ नाजायज धन कमाए, बढ़िया मकान बनाए, बुढ़ापा में बच्चों की जो प्रवृत्ति थी देख करके बड़ी ग्लान हुई। बच्चे पास में बैठते नहीं थे, उनको बड़ी ग्लान हुई, मैंने मकान बनाने में इतना अनर्थ क्यों किया, साधारण मकान में बच्चे रह लेते, इन्हीं बच्चों के लिए किया जो मेरे पास बैठते नहीं। बहुत कष्ट उनको हुआ। वे कहते थे कि मकान देख करके मुझे संताप होता है, और गलत काम जो किए थे वो संताप देता रहा। तो पुत्र तारेगा एक भ्रम है। हाँ, पुत्र है, संतान है, तो सुंदर बर्ताव करें, वे जो कर पाए करें, ठीक है, अपने तरफ से सुंदर बर्ताव करें। तो जिनके संतान नहीं होते हैं वो इससे दुखी ना हो, उनको तो समझना चाहिए रास्ता काफी अच्छा है। एक ही उपद्रव में पड़े विवाह के, और बच्चे के उपद्रव में नहीं पड़े। आध्यात्मिक दिशा में बढ़ने के लिए साधन क्या है? किसी अच्छे गुरु की शरण, संत की शरण, जहाँ से बोध सही मिले और पवित्र रहने का प्रभाव जीवन में आए, अच्छी सीख मिले, और सीख ही केवल न मिले, उनका जीवन भी ऐसा पवित्र हो कि उनके दर्शन से, संगत से, याद से अपना मन निर्मल हो। सत्संग की बड़ी जरूरत है, इसी को कहते हैं सत्संग। गोस्वामी जी ने नौधा भक्त महाराज श्री राम के मुख से कहलवाई, वाल्मीकि रामायण में नहीं, अध्यात्म रामायण में अध्यात्म के लेखक ने नौधा भक्ति का निरूपण किया। गोस्वामी जी ने उसको और तरास करके मानस में रखा। रामायण रहस्य आप पढ़िए तो उसमें सब विवरण मैंने दिया है, वाल्मीकि ने क्या कहा, अध्यात्म ने क्या कहा और मानस ने क्या कहा। तो उन्होंने प्रथम भक्ति संतन कर संगा कहा। प्रथम भक्ति संतों की संगत है। प्रथम भक्ति तीर्थ नहीं कहा, मूर्त पूजन नहीं कहा, नाम जप नहीं कहा, यज्ञ हवन नहीं कहा, संतों की संगत कहा। सत्संग से ही विवेक जगता है, इसलिए सबको सत्संग का आश्रय लेना चाहिए, और ऐसे सदगुरु की शरण होनी चाहिए जो बोधवान हो और रहनी संपन्न हो, छल कपट वाला ना हो। दर्जनों ईश्वर के अवतार आजकल घूमते हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं, वे कृष्ण के अवतार हैं, राम के अवतार हैं, शिव के अवतार हैं, कबीर के अवतार बहुत लोग बने, जिन्होंने अवतारवाद का खंडन किया उन्हीं कबीर के अवतार बन करके समाज को गुमराह करने वाले हुए हैं, आगे भी होंगे। गुरुडम पहले भी था, आज भी, आगे भी रहेगा। कबीर साहब ने गुरुडम का खंडन किया, रोशनी दी, रास्ता दिया, वाणी दी, पढ़िए, गुनिए, सावधान रहिए, गुरुडम खत्म नहीं होगा, ये रहेंगे आपके सावधानी के लिए। वो वाणी है, ये कहो वाणी सबको बराबर कर दे, सब ग्रहण कहा करते हैं। कितने ऐसे गुरु नामधारी हैं जो कबीर साहब ने वो साखियां कहीं गुरु की महिमा में, उसी को अपनी पुस्तक में छापते हैं और प्रवचन में कहते हैं। और जो गुरु की गलतियों पर तर्क है कबीर साहब की वाणी में, उसका नाम नहीं लेते। गुरुआ तो सस्ते भय कौड़ी अर्थ पचास, अपने तन की सुध नहीं शिष्य करण की आश, झूठे गुरु के पक्ष को तजत न की जय बार, द्वार न पावे शब्द का भटके बारंबार। ऐसे बहुत सी साखियां हैं साहेब की जो गुरुडम का खंडन करती है, उसका वे नाम नहीं लेते हैं, क्योंकि उसमें उन्हीं की पुल पट्टी खुलती है। बस गुरु के सामने अपना सिर दे दो, समर्पित हो जाओ, ये साखियां कहेंगे। तो सच्चे गुरु की पहचान क्या है? जिसमें सरलता है, चमत्कार जितना है सब फंसाने का तरीका है। हमारे गुरुजी अवतार हैं,
ये हमारे गुरुजी एक ही समय में अनेक जगह रह सकते हैं। वे भाषण करते हुए एक ही दिन 11 बजे दिन में बम्बई, दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता में दिखाई दिए, टेलीविजन से दिखाई दे सकते हैं, लेकिन ये सब जगह एक ही साथ नहीं रह सकते। आकाश में उड़ते हैं, सबके मन की बात जानते हैं, पुत्र धन देते हैं, रोग काटते हैं, या और भी ऐसी बातें हैं। चमत्कार जितना है पूरा छल कपट है, चाहे वो किसी के नाम में लगा हो, दुनिया के बड़े से बड़े पुरुष के नाम में लगा हो, संत के नाम में लगा हो, किसी के नाम में लगा हो, चमत्कार उसे कहते हैं जो कारण कार्य व्यवस्था से भिन्न है। कारण कार्य व्यवस्था एक कारण से कार्य होता है, जैसे कल बादल आया और हम आकाश में हाथ उठाते बादल फट जाए, पानी न आए, बंद हो जाता, ये चमत्कार है, ऐसा कोई नहीं कर सकता है। ये तुक है कि कोई ऐसा नाटक करे उस समय पर तो बंद हो जाए, किसी के कहने से वर्षा बंद नहीं हो सकती और किसी के कहने से वर्षा हो नहीं सकती। वर्षा के जितने कारण हैं प्राकृतिक हैं और जड़, तो चमत्कार की बात। एक जगह आग लगी थी, उन्होंने हल्ला किया कि मंदिर जल गया लेकिन शास्त्र बच गया। अब ऐसी जगह हो सकता है कि शास्त्र रहा हो, बच गया हो, लेकिन वहां आग लग गए, कहीं नहीं शास्त्र बच गया, तो मैंने कहा आग पर शास्त्र रख दिया जाए सबके सामने, और बच जाए तो मान लिया जाएगा बच गया होगा, तो बगले झगने लगे। दूसरे को निरोगता देते अपने रोगी रहते हैं बाबा जी। तो चमत्कार की जितनी बात है सब धांधलेबाजी है। चमत्कार की बात जो करता हो, अवतार बनता हो, दुख दरिद्रता दूर करता हो, सबका बीमारी दूर करता हो, वो पाखंडी है। संतों के विवेक में वचनों से दुख दारिद्रता दूर होती है। विवेक में वचनों का आचरण करोगे, आदर करोगे, संयमित रहोगे, खर्चा अपना आमदनी के अंदर रखोगे, दुर्व्यसनी नहीं रहोगे, परिश्रमी रहोगे, अपने आप सुख शांति मिलेगी। प्रेम पाठ का चोलना पहिर कबीरू नाच, साहब कहते हैं प्रेम पाठ का चोलना पहन करके नाचो। प्रेम का कपड़ा मंगा लो, चोलना बनवा लो और पहन के नाचो। चोलना जो गले से पैर तक रहता है, और कोट समझ लो साधुओं की अल्फी, तो प्रेम का कपड़ा ही नहीं होता है, चोलना कैसे बनेगा। अर्थ है प्रेम पूर्वक काम करो, सारा काम प्रेम पूर्वक करो। पत्नी पति से प्रेम भाव रख, पति पत्नी से प्रेम रख, मीठे बोले, बच्चों से, माता पिता से, भाई से, नौकर से, स्वामी से। नौकर कौन है, किसी कोई नौकर नहीं, सब स्वतंत्र है, ये तो व्यवहार है। कोई ऊंचे पद में है, कोई छोटे पद में, दोनों मनुष्य। घर में जो आदमी रखा जाता है नौकर, वो भी आदमी, आदर करना चाहिए। अनादर करना बहुत गलत है, कट कहना, गाली देना, तो महा अज्ञान है। मीठे वचन बोलो, सबसे मीठे बोलो। प्रेम की गंगा आपके घर में बहनी चाहिए। कट वचन कह करके समाज परिवार में वातावरण खराब होता है। कट वचन से बचें, मीठे वचन बोले। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार हुए संचरे साले सकल शरीर। मीठा वचन औषध है, कट वचन तीर है जो कान में प्रवेश करके पूरे शरीर को पीड़ित करता है। हम अप्रिय वचन सुनना नहीं चाहते, तो अप्रिय वचन कहे बिना, अपने स्वार्थ को जीते बिना प्रेम विकसित नहीं हो सकता। महाराज राम ने अपने स्वार्थ को जीत लिया तो भाई भरत के लिए राज छोड़ दिया,
अगर उनको राज्य का स्वार्थ होता तो डट पड़ते, अंत में गद्दी उन्हीं को होती, भरत आते उन्हीं को देते, लेकिन ये आदर्श तो ना आता। भरत को राज मिल गया था लेकिन उन्होंने भाई के चरणों में चढ़ा दिया। जब वे नहीं गए तो मजबूर होकर के राज्य की उन्होंने सेवा की, राज भोग नहीं किया। इसलिए राम और भरत के बीच में अयोध्या का राज गेद बन गया। उन्होंने ठेल दिया, उन्होंने ठेल दिया। ये उत्तम आदर्श त्याग का है, स्वार्थ को जीतने का है, भाईचारे का है। इसलिए भाईचारे की कहानी रामायण कहती है, विपरीत है महाभारत की कहानी। भाई भाई राज्य के लिए कट के मर गए, भाई ही नहीं कटे, गुरु पितामह पिता काटे गए। इतना दुखद हुआ और तुच्छ राज्य के लिए। युधिष्ठिर की विजय होने के बाद युधिष्ठिर केवल तपते रहे। गीता सार जो मेरी पुस्तक है उसकी लंबी भूमिका है, उसको पढ़िए। उसको मैंने अलग भी छाप दिया एक विद्वान के कहने से, भूमिका को, श्री कृष्ण और गीता, तो 2-3 रुपये में होगी या 2 ही रुपये में हो, उसको लेके आप पढ़िए। थोड़े में वानगी है, युधिष्ठिर तपते हैं, जो उन्होंने कर डाला जो उसमें, पीछे उनको बड़ी ग्लानि हुई, दिल उनका रोता था कि मैंने क्या कर डाला। महाभारत में भ्रातघाती युद्ध का चित्रण, रामायण में भ्रातृत्व का चित्रण, लेकिन महाभारत ज्ञान का भंडार है, गीता उसी में बहुत ज्ञान की चीज है। काल्पनिक बातें तो धार्मिक किताबों में हर जगह हुआ करती हैं, ऐसी बातें जो बिना सिर पैर की, वो महाभारत हो चाहे रामायण हो चाहे पुराण हो, बिना सिर पैर की बातें धार्मिक लोग बहुत लिखा करते हैं। बिना सिर पैर की बातें वही चमत्कारी बातें, योजन 3-3 के काना, कुंभकर्ण के कान 3-3 योजन के थे, योजन एक मूछ रही ठाड़ी, करीब 13 किलोमीटर में मूछ खड़ी थी कुंभकर्ण की, तो अतिशयोक्तियाँ चमत्कार ये सब तो जगह जगह मिलेगी। महात्मा ने मूर्ति से भाषण करवा दिया, गाय से वेद मंत्र बोलवा दिया, महात्मा दीवार पर बैठे थे दीवार चल पड़ी, उन्होंने कहा चल, दीवार चल पड़ी, चौकी पर बैठे थे चौकी चल पड़ी। सब बातें झूठी हैं, चाहे किसी के लिए कही गई सब झूठी है। धर्म वालों ने बड़ा नुकसान किया है, मनुष्य को बहुत भ्रमित किया है, सच्चा ज्ञान नष्ट हो गया है। और ये मन को नर्वस करके बौद्धिक शोषण, फिर आर्थिक शोषण, शारीरिक शोषण, शारीरिक शोषण तक धार्मिक लोग करते हैं। ऐसे भी धार्मिक लोग होते हैं, वो धार्मिक नहीं अधार्मिक है। कारण कार्य व्यवस्था सर्वत्र है, विश्व के शाश्वत नियम है, उसका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता है, चाहे कोई भी हो। जितने महापुरुष हैं केवल मनुष्य, कोई अलौकिक नहीं है। जितनी पुस्तकें हैं सब मनुष्य की रचनाएं हैं, जितने संप्रदाय हैं मनुष्य के चलाए हैं, अलौकिकता नाम की कोई चीज नहीं। जो कुछ है कारण कार्य व्यवस्था के अनुकूल है, सृष्टि क्रम के अनुकूल है। इसलिए कोई संप्रदाय सत्य का एकाधिकारी ठेकेदार नहीं है। हमारे मोक्ष और स्वर्ग का ठेकेदार कौन संप्रदाय है? कोई संप्रदाय नहीं। और संप्रदाय वालों को बड़ा घमंड है, हर संप्रदाय वाला मानता है कि स्वर्ग और मोक्ष हमारे संप्रदाय से होगा, दूसरे से नरक होगा, बंधन होगा। कोई संप्रदाय स्वर्ग और मोक्ष देने में समर्थ नहीं है। अपने मन में निर्मलता है ये स्वर्ग है, मन मैला है नरक है, अपना मन मोह ग्रसित है बंधन है, मोह मिट गया मोक्ष है, ये व्यक्तिगत बात हुई, संप्रदाय इसमें क्या कहेगा?
हाँ संप्रदाय में अच्छे संत हैं, विचारवान हैं, गुरु हैं, पीर हैं, वे रास्ता दिखाएंगे। तो किसी संप्रदाय में हो, विवेकवान हैं, उनसे रास्ता मिलेगा। एक मुस्लिम फकीर हो, त्यागी हो, वैराग्यवान हो, संतुष्ट हो, उससे रोशनी मिलेगी। ईसाई संत हो, कबीरपंथी संत हो, वैष्णव संत हो, शैव संत हो, बौद्ध जैन संत हो, ये कोई नाम न रखता हो, कुछ और रखता हो, निर्मल मनुष्य से हमें निर्मलता मिलेगी। आग के पास गर्मी मिलती है, पानी के पास शीतलता, दुर्जन के पास दुर्जनता मिलती, सज्जन के पास सज्जनता। मन वाणी कर्म से जो निर्मल हैं, शीतल हैं, उनकी संगत से शीतलता मिलेगी। संप्रदाय इसमें काम नहीं करता है, संत काम करते हैं। अगर वकालत आपको सीखना है तो किसी बड़े वकील के पास रह के अभ्यास करना होगा, डॉक्टरी तो बड़े डॉक्टर के पास, यहां तक चोर बनने के लिए बड़े चोर से प्रशिक्षण लेना पड़ता है। कई बार अपना सामान आप भूल जाते हैं और मिनटों खोजते नहीं मिलता है, और चोर मिनटों में सब काम करते हैं वहां पर जहां वो कभी गए नहीं। चोर को भी गुरु करना पड़ता, बड़ा चोर तो कहीं भी निर्देश तो लेना पड़ेगा। अगर हमें शांत प्रिय है, सुख प्रिय है, तो ऐसे मनुष्य से हमें संबंध जोड़ना चाहिए जो सुखी और संतुष्ट हो। अब वो एसी भवन में रहते हैं, कार में चलते इसलिए सुखी हैं, ये भ्रम है, ये बाहरी चीज है। सुखी वह है जिसके मन में निर्भयता है, शीतलता है, निष्कामता है, निर्मानता है, निर्द्वंद्वता है, जिसे जीना मरना बराबर है। अभी शरीर है, अभी मरने के समय आ जाए कोई हर्ज नहीं, मरना कुछ है ही नहीं, ये कूड़ा कचड़ा लगा है, गिर जाएगा बस, अपना आप शुद्ध बुद्ध है। जो पूर्ण कृतार्थ आत्मा है वो सुखी है। ऐसे सुखी मनुष्य की हमें जरूरत है। यही है सत्संग, यही है गुरुशरण, और यह अमुक संप्रदाय से मतलब नहीं रखता है, किंतु उस व्यक्ति से मतलब रखता है। और ये संप्रदाय मोक्ष के ठेकेदार बने बैठे, स्वर्ग के ठेकेदार बने बैठे। कबीर साहब ने इन सबको फटकारा है। जैसे जाति बात का उन्होंने खंडन किया है, कोई जात ऊंची नीची नहीं, कोई वर्ण ऊंचा नीचा नहीं, वैसे संप्रदायों में, संप्रदायों के विषय में भी कहा है। तो हमें कहीं संत संगत में जुड़ना चाहिए जहाँ से हमें आध्यात्मिक खुराक मिले, और निर्भ्रांत ज्ञान होना चाहिए। भूत प्रेत नाम की कोई चीज नहीं, भूत प्रेत कोई योनि नहीं, ये भ्रम है। पूरा काल में छोटा छोटा ग्रुप होता था, दो चार झोपड़ियाँ यहाँ हैं, 10-20 झोपड़ियाँ हैं, और उसमें 150 लोग रहते हैं, कमाते खाते, उनके पास धन संग्रह हो गया है। आज से यहाँ से 10 किलोमीटर दूर, 15 किलोमीटर दूर कहीं और ऐसी जगह है जहाँ लोग हैं, वे और बलवान हैं, बीच में जंगल है, वे आए, हमला किए, मारे, काटे, लूटे, ले गए। और ऐसा कोई राज सत्ता नहीं रही उस समय, ऐसा कोई नहीं था कई राजा मिलकर के इस पर पंचायत करें, कुछ दबाव करें, कुछ नहीं। आए, काटे, जितना बन सका काट दिए, लूट ले गए। काटने के बाद उनको लगा कि जिनको मैंने काटा है वे हमारे ऊपर चढ़ रहे, यही भूत की भावना शुरू हुई। जो काटे गए बेचारे अपने कर्म बस गए, वो कुछ नहीं चढ़ेंगे, अपना मन अपने ऊपर चढ़ने लगता है। भूत की भावना यहीं से शुरू हुई है और इसका विस्तार हुआ। भूत प्रेत चुड़ैल बिल्कुल झूठे, जीव शरीर छोड़ता अपने कर्म बस देह धारण करता है। भूत प्रेत नाम की कोई योनि नहीं, अगर योनि है तो कहाँ है, उनके बाल बच्चे वंशज कहाँ हैं, घर द्वार खाना पीना टट्टी पेशाब कोई आधार से तो पता लगे। हम खेत खार में जाते हैं, बाहर मैदान में जाते हैं, बकरे की टट्टी देख करके समझ जाते हैं बकरे ने टट्टी की,
ऊंट की, हाथी की, बैल की, भूत प्रेत की टट्टी देख के पता लगे, घर द्वार बाल बच्चे कुछ तो पता नहीं, एक भ्रम है। और इसकी दुकानदारी पुराण काल से चलती है और आज भी चल रही इस शिक्षित युग में भी। शिक्षित भी बैगा ओझा होते हैं जो समाज को गुमराह करते हैं। सन 54 से लेकर के आज तक छत्तीसगढ़ और बस्तर के क्षेत्रों में और उड़ीसा तक के क्षेत्रों में, जहां आज भी उड़ीसा क्षेत्र में कभी कभी आदमी को मार देते हैं देवी पूजा में, वहां जा करके मैंने खूब कहा कोई बैगा सोखा हो आवे मुझे भूत प्रेत मेरे ऊपर चढ़ा दे, देखता हूं कहां है क्या है। खंडन करता रहा और समझाता रहा समाज को, आज तक कोई नहीं मिला। कुछ सोखा बैगा आए तो स्वयं डर गए हमसे, वो समझा होगा हमसे बड़ा सोखा होगा ये। तो भूत प्रेत नाम की कोई चीज नहीं, झाड़ फूक करवाने कोई आवश्यकता नहीं, नजर लगती है बिल्कुल झूठी बात है, टोना लगता है बिल्कुल झूठी बात है, हाथ की रेखा किसी को मत दिखाओ, हाथ से मेहनत करो, हाथ की रेखा देखने वाले अपने हाथ की रेखा नहीं जानते हैं, तेली बदनाम कर दिया गया तो बंटा ढार। और रोज लोग तेल लगाते हो तेल खाते हो बंटा ढार नहीं होता है। इस समाज कितना अनुचित धारणा बना करके बैठा है। अंगूठियां पहनी जाती हैं उंगलियों में, पंडित लोग बताते हैं, लोग बताते हैं, सज्जन पढ़े लिखे, बल्कि पढ़े लिखे लोग ज्यादा पहनते हैं। 95% अंगूठियां पढ़े लिखे लोगों में पहनी जाती है, अनपढ़ों में बहुत कम। अब वो पढ़े लिखे लोगों को ठगने भी रहता है, अच्छा उनसे ज्यादा पैसा मिलता है, उनके पास पैसे हैं भी खूब, नग और सोने चांदी पहन भी सकते हैं, कोई कह दिए पहनो ये लाभ होगा तो लाओ पहन ले, सरलतम पहन लेते हैं। पहली बात तो आप अपने उंगलियों का सौंदर्य नष्ट करते हैं। प्रकृति ने जो उंगलियों को बनाया बहुत सुंदर बनाया, उसमें रिंग डाल करके क्यों उसको बदसूरत करते, और उसमें डालोगे अंगूठियां गंदगी जमेगी और कुछ फायदा नहीं होगा। ठंडी में ठंडाएगी उंगलियां, गर्मी में गर्माएगी। उंगलियों में अंगूठियां पहनना बिल्कुल बेकार है। और देवियां जो पहनती हैं उनको तो आटा गूंदना है हाथ से, घर भर के लिए भोजन बनाना है, परोसना है, अंगूठियां पहनेगी तो उसमें गंदगी रहेगी, अच्छा नहीं। अंगूठियां बिल्कुल निरर्थक है। अब आजकल शहरों में जेवरों की दुकान पर एक ज्योतिषी नामधारी बैठा लिया जाता है, वो बताता है जो खरीदने आते हैं, देखो ये नग पहनो ये लाभ होगा। शास्त्रों में लिखा है, लेकिन शास्त्रों में जो लिखा हो सब सच नहीं है। विवेकी आप बनिए, कभी ग्रह दशा किसी को मत दिखाइए, जन्म कुंडली बनवाना ही अपने को कष्ट में डालना, एक प्रपंच शुरू कर देना, बच्चा जन्मा है दिन तिथि तारीख लिख लो समय ले लो बस काफी है, और कुछ जन्म कुंडली बनवाने की जरूरत नहीं। निर्भय रहो, सारी दिशाएं मंगलमय हैं, सारे दिन मंगलमय हैं, सब दिन बाल बनवाने लायक है, सब दिन नई वस्तु का उपयोग करने लायक है, सब दिन किसी भी दिशा में जाने लायक है। सब ही भूम बनारसी सब निर्गंगा होए, ज्ञानी आत्म राम है जागट प्रगट होए। देवी देवता प्राणी है, प्राणियों को देवी देवता समझो, परमात्मा आत्मा है जो सबके अंदर में बैठा। इन निर्णय वचनों पर ध्यान दे, भ्रांतियों से ऊपर उठे, चमत्कारों के दलदल में, अंधविश्वास के दलदल में समाज डूबा है। कई बार सूखा पड़ता है, वो कीर्तन अखंड कीर्तन और हवन न मालूम क्या क्या चलता है। पानी जिससे बरसता है न उसके कान है न उसके मन है न उसके कोप है न कृपा है,
पानी बरसने के जितने कारण हैं जड़ प्रकृति, और आप कितना हवन करते हो कुछ नहीं होगा, प्रार्थना करते रहो कुछ नहीं होगा। क्या ईश्वर ख्याल भूल गए हैं आप, उसको हवन द्वारा बता रहे हैं और प्रार्थना द्वारा बता रहे हैं? पानी बरसने के कारण प्राकृतिक जो जड़ है, संयोग होगा पानी बरसेगा, नहीं संयोग होगा नहीं बरसेगा। कोई कितना हवन करने वाला हो, अग्नि उपासक हो, अगर उसके घर में आग लग गई है तो स्वाहा स्वाहा करने से वो नहीं रुकेगी, पानी डालने से रुकेगी। वरुण देवता की कोई कितनी उपासना करे, बाढ़ आ जाए, पुकारते रहो वरुण देवता को, बह जाओ, भागो वहां से सामान लेकर के, इसमें कुशल जड़ प्रकृति को कोई ज्ञान है? इसलिए जड़ प्रकृति के को रिझाने के चक्कर में मत पड़ो। शास्त्रों में कहीं लिखा है तो लिखा तो सब प्रकार से है, लेकिन लिखने मात्र से कोई वस्तु कोई बात सच नहीं होती। मैंने पहले दिन कहा था, प्रमा वो सच है, प्रमाण वो सच है जो प्रमा के अनुकूल, प्रमा नाम ज्ञान, प्रमाण नाम जिस साधन से ज्ञान होता है, वो प्रमाण शास्त्र में लिखा है उससे ज्ञान होता है। लेकिन शास्त्र का ऐसा वचन प्रमाण नहीं हो सकता है जो प्रमा का अनुगमन नहीं करता, ज्ञान के ज्ञान को चित्रित नहीं करता। उस दिन मैंने परसों कहा था, राजा सगर की पत्नी को 60,000 बच्चे एक साथ पैदा हुए, ये पुराण में लिखा है, तो ये प्रमाण है, पुराण में लिखा है, संस्कृत भाषा में लिखा, प्रमाण है। लेकिन प्रमा ज्ञान क्या है कि स्त्री मनुष्य स्त्री के एक बच्चा या दो बच्चे हो जाते हैं जुड़वा, हजारों नहीं होते। इसलिए प्रमा का अनुगमन ये प्रमाण नहीं कर रहा। राहु केतु सूरज को निगल लेते हैं, ग्रस लेते हैं, ये संस्कृत शास्त्र में लिखा है, लेकिन प्रमा का अनुगमन नहीं करता है प्रमाण, अंधविश्वास से। भूचाल आती है तो शेष जी फण पर पृथ्वी को रखे हैं और वो कहाँ बैठे हैं ये तो पता नहीं, क्योंकि पृथ्वी को तो सिर पर रखे हैं तो स्वयं बैठे कहाँ हैं। अब एक फण पर दुखते दुखते जब दुखने लगता है तो दूसरे फण पर पृथ्वी को सरका लेते हैं, बस उसी समय भूचाल आ जाती है। लेकिन ये प्रमाण प्रमा का अनुगमन नहीं करता। शास्त्र के मोह को छोड़ दो, साथ साथ शास्त्रों के सच्चे वचनों को मानो। शास्त्र बेकार नहीं, और शास्त्र के नाम पर आंख मूंद करके मानने से कल्याण नहीं। शास्त्रों में तो ऐसा भी लिखा है, ईश्वर और देवता के नाम पर निरीह प्राणियों को काटो, ये बकरे मुर्गे सुअर गाय घोड़े ऊंट खच्चर, निरीह प्राणी बेचारे मासूम, इनको ईश्वर के नाम पर देवता के नाम पर काटने पर ईश्वर और देवता खुश होते, भला कोई बात हुई? ईश्वर दयालु होगा, देवता दयालु होगा, तो निरपराध प्राणियों को काटने से वो खुश कैसे होगा? इतनी सी अकल नहीं आई अभी तक, जंगली युग बना हुआ है। ये शास्त्र प्रमाण परमा का अनुगमन नहीं करता। हमारे गुरुजी आकाशगामी थे, हमारे गुरुजी 500 वर्ष के हैं, अरे 100 वर्ष जीना मुश्किल होता है, कोई कोई 100 से ऊपर जाते हैं। वेद में 100 वर्ष जीने की कामना की गई है, और सदा सतात कहीं कहा गया, यानी 100 वर्ष से ऊपर, 125 वर्ष, कई 100 वर्ष, कई हजार वर्ष, ये सच नहीं। यहां बसत मोहि सुन खग ईसा, बीते कल्प 7 अरुबीसा। काक भूषण गरुण जी से कहते हैं, गरुण जी इस आश्रम पर रहते रहते मेरे 27 कल्प बीत गए, 4,32,00,000 करोड़ वर्ष का एक कल्प होता है, 4,32,00,000 वर्ष का 27 कल्प बीत गए,
इसी आश्रम पर रहते रहते काकभुसुंड जी मानस में कहते हैं, और वाल्मीकि रामायण में काकभुसुंड शब्द ही मुझे नहीं मिला, और काकभुसुंड का अस्तित्व तो अलग है। तो धर्म के नाम पर पोथियों में जितना लिखा है सब प्रमाण नहीं, विवेकी बने, अंधविश्वास से ऊपर उठें। कबीर साहब ने कहा है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गह रहे थोथा दे उड़ाए। साधु का मतलब हम हमारे वेश वाले नहीं, सभी सज्जन साधु, सभी मनुष्य साधु। कहें कबीर सुनो भाई साधु, एक साहेब के कहने का स्टाइल जगत प्रसिद्ध है, पूरे मानव को साधु कहते, नर नारी सब। वही नर नारी सही हैं जो फटक पछोर करके सार लेते हैं। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए। वेद के ऋषि कहते हैं, सक्तमेव चुतनापनंतो यत्र धीरा मनसावा चमकृत, अत्रा सखाया सख्या न जानते भद्र ईशाम लक्ष्मी निहित आदिवाज। जैसे चलनी से सत्तु छाना जाता है वैसे विवेक से वाणी को छानो। वैदिक युग में सत्तु बनता था, अच्छा चिवड़ा दही का पता नहीं, चारों वेदों में मुझे चिवड़ा दही नहीं मिला। गोस्वामी जी ने चिवड़ा दही बारात में खिलवाया है। अब गोस्वामी जी तो चिवड़ा दही वाले जमाने में थे, लेकिन महाराज राम का अस्तित्व तो वैदिक युग में होना चाहिए, उस समय चिवड़ा दही पता नहीं। तो सप्तमयु तितुना, सप्तमयु तितुना, तितौ नाम चलनी, तितौना नाम चालना, सप्त नाम सत्तु। सत्तु के समान जैसे सत्तु चलनी से चाल करके साफ कर लिया जाता है, वैसे मन से विवेक से वाणी को चालो। शास्त्र आदरणीय है, वेद आदरणीय है, वैसे कुरान बाइबिल जिंदा वेस्ता आदरणीय है, गुरु ग्रंथ आदरणीय है, समस्त वाणी आदरणीय है, कबीर साहब की वाणी आदरणीय है, गोस्वामी जी की वाणी आदरणीय है, सबकी वाणी आदरणीय है, सभी महापुरुष आदरणीय है, सभी परंपराएं आदरणीय हैं, लेकिन विवेक उससे अधिक आदरणीय है। हर जगह विवेक की जरूरत है। विवेक छोड़ करके, कारण कार्य व्यवस्था का बोध छोड़ करके, विश्व के शाश्वत नियमों की अक्ल को छोड़ करके, अंधविश्वास की पूंछ पकड़ करके बैठना बहुत गलत है। कबीर साहब ने अपनी वाणियों में खूब कहा है, कबीर साहब की पूरी वाणी आप मनन करना चाहें तो बीजक रखें। बीजक की दो खंडों में व्याख्या है, इसका मनन करें। कबीर साहब की वाणी बीजक की जब मैं व्याख्या कर रहा था, चलते चलते मैंने उसको किया था अनेक प्रदेशों में, डायरी अगर आप देखो तो उसमें मिला मिलेगा, पृष्ठ पर ऊपर लिखा है भोपाल, तो अमुक जगह अमुक जगह अमुक जगह, जहाँ जहाँ रहा ऊपर लिख दिया, तारीख लिख दिया, जगह लिख दिया। चलते चलते मैंने उसको लिखा, कई बार कलम रख देता था कि उस जमाने में, उस अंधे युग में ये महापुरुष इतना केवल सत्य कहने वाला, कैसी खोपड़ी थी। और ये धार्मिक है, आध्यात्मिक है, नास्तिक नहीं है, महाआस्तिक है। हम लोग कबीर साहब को सदगुरु कहते हैं, और आम लोग उनको संत शिरोमणि महासंत कहते हैं। अध्यात्म की ऊंचाई में पहुंचे हुए पुरुष हैं ये सभी लोग कहते। मुझे बचपन में कबीर साहब को तो सुना था, कबीर पंथ नहीं सुना था। 17-18 बरस की उम्र तक मैंने कबीर पंथ सुना ही नहीं, कबीर को सुना था। ब्रह्म मंडलियों में अनेक बार जब चर्चा हो कबीर के विषय में, तो पंडित लोग कहें, भाई कबीर जैसा संत तो बड़ा मुश्किल है। कहीं मैंने ब्रह्म मंडली में कबीर की निंदा नहीं सुनी। जहां बात आवे, अरे कबीर तो बड़े ऊंचे संत हुए। तो वो संत है, आध्यात्मिक और धार्मिक है, लेकिन धर्म और अध्यात्म में जो कबाड़ बटोर दिया गया है संप्रदायों द्वारा, उसको क्षमा नहीं करते।
और ये उनकी विशेषता बेलाग दिन 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 चमकती जाती है। देश विदेश में उनकी वाणियों पर रिसर्च होते हैं, लोग सोचते हैं जो पहली बार पढ़ते हैं ऐसा अद्भुत पुरुष, ऐसा कहने वाला। रूस से एक विद्वान ने लिखा गोरखपुर, जब एक विशाल कार्यक्रम था वहाँ कबीर के विषय में, तो लिखा कि भारत की जमीन में ऐसा आदमी हुआ है, ये हाण मांस का आदमी था, वो डरा नहीं मरने के लिए, ऐसा कहाँ है। जब उन्होंने पढ़ा, पढ़ करके वो दंग रह गए, क्यों ऐसा वो कह सके, ये तो कबीर साहब की वाणी से आप समझ सकते हैं। उन्होंने कहा, कबीर खड़ा बाजार में लिए लुआठी हाथ, जो घर जा रहा है अपना चले हमारे साथ। कबीर साहब कहते हैं, मैं बाजार में खड़ा हूँ, हाथ में लुआठी लिए, अपने घर को फूंक दो भाई तो हमारे साथ चलो, नहीं इतना ही बनेगा, क्योंकि घर की याद करोगे तो हमारा साथ दे नहीं पाओगे। तो ये जिस घर में हम रहते हैं इसको फूंकने नहीं गए, स्वार्थ का घर, अहंकार का घर, मोह का घर। कबीर ने अपने स्वार्थ का घर फूंक दिया था, उन्हें चिंता नहीं थी हमारा कोई अनुगामी बने, हमें कोई धन दे, कुछ नहीं चिंता, सत्य में रहना है, सत्य कहना है, मरने जीने की चिंता नहीं, मरना एक बार है। जो ऐसा सोच लेता वही सत्य कह सकता है। और पूरे इतिहास में कबीर ऐसे अद्भुत पुरुष हैं कि बेलाग वे सत्य कहते हैं। उनकी वाणी पढ़ करके सारे अंधविश्वास से आप ऊपर उठ सकते हैं। मैं सारे अंधविश्वासों में था, झाड़ फूक करवाता था। एक बार हमारी उंगली मोटी हो गई और खुजलाने लगी अंगूठे के पास वाली दहने में, तो सोखा के पास गया तो कहा, बेटा तुम लिखते पढ़ते बहुत हो इसलिए नज़र लग गई। तो उसने भभूत दिया फूक करके, लगाया दो तीन, लगाया दो तीन दिन ठीक हो गए, क्योंकि ठीक होना था, बस उत्तुक बैठ जाता है। तो झाड़ फूक करवाता था, भूत प्रेत मानता था, जो अंधविश्वास सामान्य है सब मानता था। कबीर साहब कभी जब 3 महीने पढ़ा और भूत प्रेत जादू टोना सब बाकी पता नहीं कहाँ चले गए। अगर आप मन से बिल्कुल निरोग होना चाहें, निर्भ्रांत होना चाहें, तो बीजक पढ़ें। मैं कह रहा था निर्भ्रांत दृष्टि अपनानी चाहिए, सत्कर्म में प्रेम हो, किसी को धोखा मत दो। किसलिए धोखा दो? धोखा दोगे, गलत काम करोगे तो भी जिंदगी चलेगी, ईमानदारी से चलोगे तो भी जिंदगी चलेगी, लेकिन दोनों के परिणाम में बड़ा फर्क होगा। धोखा दोगे, गलत काम करोगे, चित्त उबलता रहेगा, मन खराब रहेगा, आज दुख रहेगा आगे भी दुख रहेगा, ये जीवन पूरा नहीं, शरीर छूट जाएगा, आत्मा अमर है, उसे अपने कर्मों का फल भोग आगे भी भोगना पड़ेगा। इसलिए आज जिसने सुधारा आगे भी उसका सुधर गया। एक आदमी गांजा पीता था 50 वर्षों से, आज उसने छोड़ दिया, घृणा हो गई गांजा से। कुछ दिन बीत गए, पूरा अभ्यास हो गया गांजा से रहित, अब गांजे की गंध उसको अच्छी नहीं लगती और बिल्कुल उससे अलग हो गया, निष्काम। तो आज ही की गांजा की आसक्ति नहीं मिटी है, 50 वर्षों से जो पीता था वो सब की मिट गई। मानो उसको 1 महीने में गांजा की आसक्ति छूटी, तो 1 महीने की गांजा की आसक्ति वो नहीं छूटी है, जो पीछे 50 वर्षों से पीता था वो सब की छूट गई है। अब अगर फिर गांजा न पिए तो पूरा जीवन उससे मुक्त रहेगा, ये प्रमाण हुआ। जो गलत काम हम आज तक करते थे उसको छोड़ दें, आवाज से गलत काम ना करें, जो गलती किए थे उसके लिए ग्लानि हो जाए, उसको दोहराए ना और सही काम करें, तो हमारा जीवन उद्धार हो गया। दीवार गलती नहीं करती, आदमी गलती करता है।
आपसे गलती हो गई तो उसको लेकर के मन को बहुत संतापित मत करो, बस गलती छोड़ दो, आगे रास्ता बनाओ, अपने शरीर के लिए, परिवार के लिए, किसी के लिए भी पाप न करो। गृहस्थी मार्ग में रह करके आदमी पवित्र जीवन व्यतीत कर सकता है, अपने को संभाल सकता है, पर स्त्री से परहेज, पर स्त्रियां माँ बहन बेटी, पर पुरुष से परहेज, जितने पर पुरुष हैं पिता पुत्र भाई, अपने में भी संयम, आगे चल करके तो ब्रह्मचर्य व्रत लेना चाहिए, होना तो चाहिए। बच्चा पैदा हो गया ब्रह्मचारी बन जाओ, नहीं तो जब बाल पकने लगे तब तो हो ही जाओ, ऊपर सफेद हो गया भीतर कब तक सफेद नहीं करोगे। ऊंची साधना है साक्षी भाव। नदी के किनारे एक आदमी बैठा है और नदी की धारा को देखता है, बहता नहीं केवल देखता है, धारा आती है जाती है। साधक मन को देखता है, बहता नहीं, जो याद आती है उसमें बल नहीं देता है, दृष्टा उदास रहता है तो लुप्त हो जाती है, जो याद आई लुप्त हो गई। जब उसमें हम बल देंगे तब वो चलेगी साथ में। बाजार पहुंच गए, बाजार कर रहे हैं, मन ही मन में धुन रहे हैं बाजार तो बह रहे हैं, लेकिन बाजार की याद आई और छोड़ दिए उसको तो याद लुप्त हो जाएगी। फिर दृष्टा होना, उदास होना, साक्षी होना, ये राजमार्ग है, इसको दृष्टाभ्यास कहते हैं। साधक बैठता है और मन को देखता है और मन को शांत करने की दृष्टि से देखता है, ये निश्चय कर लेता है कि जो याद उठेगी मैं लूँगा नहीं, उसको छोड़ दूँगा। और धीरे धीरे अभ्यास दीर्घकाल तक करते करते ऐसी अवस्था आती है कि कुछ याद नहीं होता, शांत, सारी स्मृतियाँ शांत हो जाती, ये उच्च अवस्था है। लेकिन पहले तो इतना करो, आंखें बंद करो, बंद आंखों में अंधकार प्रकाश जो दिखाई दे उसी में ठहराओ, सांस पर ठहराओ, किसी संत पुरुष के चित्र पर ठहराओ, कहीं तो कुछ करो, ध्यानाभ्यास रोज करो, अध्ययन करो, अपने गुण दोषों पर विचार करो, जितना क्रोध पहले था अगर उतना ही है, कट शब्द कहना वैसे है, लुलुपता वैसे है, खाने पीने में लुलुपता, बात बर्ताव में लुलुपता, जितनी लंपटता और इंद्रिय और मन के विकार हैं वैसे हैं, तो ज्ञान कहाँ, भक्ति कहाँ, वैराग कहाँ। ये विकार निरंतर घटे हैं। 2 वर्ष के पूर्व जितना क्रोध था अब उतना नहीं है, कम हो गया। खाने पीने की लुलुपता घट गई, कट वचन कहने की अब वैसी बात नहीं है, कम हो गई है, उत्तेजना कम हो गई है, तो ये साधना में सफलता। अब तो थानेदार भी कहते हैं कि साहब पहले जमाने की तरह अब हम लोग उतनी गाली नहीं देते, क्योंकि आजकल लोग शिक्षित हो गए हैं, फिर भी उनका काम ऐसा है, गाली मार का काम ऐसा है कि वो कहते हैं राजा को गर्म और बनिया को नरम होना चाहिए, तो राजा को गर्म होना ही पड़ता है, लेकिन पुलिस को किसी से दुश्मनी नहीं रहती है, वो समाज को संयत करने के लिए ही कुछ गर्म होता है। और ऐसे भी साधक होते हैं, एक थानेदार तो मेरे पास आए बैठे, कहे महाराज मेरा ड्रेस आपको अच्छा ना लगे तो मैं उतार दू। मैंने कहा नहीं आप पहने रहे। कहे रात में कल आपका प्रवचन सुना, सिविल ड्रेस में गया था, आज आपसे पूछने आया। क्या पूछना है? निर्मोहता कैसे पक्की हो, कितनी बढ़िया बात, निर्मोहता कैसे पक्की हो। 55 वर्ष 50-55 के बीच में रहे होंगे। मैंने कहा सारी वस्तुएं बिगड़ने वाली हैं, अपना शरीर,
पति पत्नी भाई बच्चे सबके शरीर, सारे प्रेमियों के शरीर निरंतर बदल रहे हैं, सब कुछ बिखरने वाला है। इस पर जितना विचार करेंगे मोह घटेगा। कुछ प्रश्न उत्तर हुए, बहुत सकारात्मक विचार कि महाराज अब जीने की इच्छा नहीं लगती। मैंने कहा मरने की भी इच्छा नहीं होनी चाहिए, न जीने की इच्छा न मरने की। मैंने कहा भाई आप लगता है किसी अखाड़े के लतमरुआ पहलवान है, किस संत से आपका संपर्क हुआ तब बताए। तो रायबरेली में मेरे एक संत निकले हो। मैंने कहा तो मेरे संत हैं कि हाँ महाराज मैं उधर था तो मेरे थाने पर पहुंच जाए। वो कहें चलो मेरे साथ, अमुक भंडारा है, अमुक संत सम्मेलन है, मुझे ले जाए। उनके द्वारा मुझे बहुत मिला। साधना करने का आयाम सबके लिए। तो अंतिम बात है मन की शांति। मन की शांति सबसे बड़ा सुख है और किसी के साथ कुछ रहने वाला नहीं। हमारे बड़े बड़े कहलाने वाले सब चले गए, माँ बाप चले गए, देखते देखते हमारे साथी बराती उठते चले जा रहे हैं। अपने माने गए शरीर की कई अवस्थाएं चली गईं। अचानक में आजकल में शरीर खो जाने वाला है। इसलिए विवेक से जिए। जब तक इसके लिए कमाई न करेंगे वो अवस्था नहीं आएगी। कोई खेती बहुत खेत खरीद ले और खेती न करे, किसानी न करे तो अन्न नहीं होगा। बच्चा पढ़े ना तो विद्या कैसे आएगी। दुकानदार टाइम से टाइम तक बैठे ना और व्यापार की बुद्धि न रखे तो दुकान में कैसे सफलता होगी। आध्यात्मिक उन्नति के लिए आपको समय निकालना है। रोज एक दो घंटा समय निकालिए। बहुत व्यस्त हैं कोई भी आधा घंटा निकालें। जब तक अध्ययन चिंतन ध्यान ये तीनों न करेंगे तब तक आध्यात्मिक शक्ति नहीं बढ़ेगी। और जो साधन है जैसे पूजा करना है, नमाज पढ़ना है, प्रार्थना करना है, ये सब भी अपनी अपनी जगह पर कुछ काम देते हैं, ये निरर्थक नहीं। इनसे एक सात्विक भावना आती है। आदमी बैठा प्रार्थना करने के समय आ गया प्रार्थना करने लगा, नमाज पढ़ने के समय आ गया नमाज पढ़ने लगा, तो उसका मन दुनियादारी से हट करके एक ऐसी दिशा में जाता है जहाँ पर उसको कुछ राहत मिलती है। तो ये भी ठीक है, लेकिन साधना का जो खास स्वरूप है वो स्वाध्याय चिंतन और ध्यान है। सत शास्त्रों का अध्ययन, सत ग्रंथों का अध्ययन और चिंतन और ध्यान। संत महापुरुषों की संगत मिले वो तप करें वो तो बहुत अच्छा है, सबसे बलवान है, लेकिन हर समय आप संत के पास नहीं बैठे रहेंगे ना संत आपके पास रहेंगे। सत ग्रंथों का अध्ययन करें। चिंतन का अर्थ है वास्तविकता पर विवेक। एक चिंतन होता है, एक मनोविलास होता है। जवानी सौंदर्य मान प्रतिष्ठा पद अधिकार इन सब की कल्पना मन में करना ये मनोविलास है, ये पतन का रास्ता है। चिंतन है शरीर नश्वर है, कुछ रहने वाला नहीं है, आत्मा अकेला है, इसके साथ कोई जाने वाला नहीं। तथ्य पर विचार करना चिंतन कहलाता है। चिंतन से मन के मन का मोर्चा छड़ता है, तब समाधि में प्रवेश होता है, ध्यान में प्रवेश होता है। इसलिए स्वाध्याय चिंतन और ध्यान ये तीनों काम सबको करना चाहिए। गृहस्थ विरक्त स्त्री पुरुष सबको करना चाहिए। अपने गुणदोषों का विचार चिंतन ही है। मेरे में दोष जितने थे घटें, सद्गुण बढ़ें तो हमारी उन्नति हो रही है।
पदोन्नति तो हो गई, धन की उन्नति हो गई, विद्या ज्यादा पढ़ लिए, बच्चे काफी हो गए, महाराज जी का मठ बड़ा हो गया, चेले बहुत हो गए, ये सब तो उन्नति हो गई, लेकिन मन मलिनता से भरा है, दुखी है, चिंतित है, पीड़ित है, उद्वेगित है, तो क्या उन्नति हुई? असली उन्नति है चित्त की निर्मलता, स्वर्ग मोक्ष कल्याण कहीं बाहर नहीं। नाना संप्रदायों में स्वर्ग की बड़ी बड़ी व्याख्याएं की गई है, वो सब प्रलोभन है केवल। नरक का भी वर्णन है, मन की मलिनता नरक है, मन की स्वच्छता स्वर्ग है। मोह में आबद्ध रहना, बधा रहना बंधन है, मोह का कट जाना मोक्ष है। ये सब इसी जीवन में, संतो जीवत ही करु आशा, स्वर्ग यही है, मोक्ष यही है, और नरक और बंधन भी यही। सब कुछ लौकिक है, अलौकिक नहीं, लेकिन धार्मिकों ने उसको इतना अलौकिक बना दिया है, इतना चमत्कारी बना दिया है कि लोग भयभीत हो गए। हर इंसान जहां रहा है श्रम करे, जो उसको उसकी ड्यूटी मिली हो ठीक से पालन करे, और जिन लोगों के बीच में रहता हो उन सब की सेवा करे, और उनसे अपने लिए कुछ न चाहे, और उसकी सेवा अपने आप होगी, चाहने से नहीं होती। अपने मन को निर्मल करने का प्रयास करे, ऐश्वर्य जमाने के चक्कर में न पड़े, जो सहज हो जाए ठीक है। देख देख करके दूसरे का ऐश्वर्य मन ललचाता है। सबका परिश्रम और प्रारब्ध एक नहीं है, परिश्रम भी भिन्न भिन्न है, और प्रारब्ध भाग्य तकदीर जो कहते हैं वो हवा में उड़ने वाली बात नहीं, वो भी है, लेकिन प्रारब्ध तकदीर कर्म भाग्य इस पर हमें सोना नहीं चाहिए, परिश्रमी होना चाहिए। तो दूसरे की तुलना में न पड़े, जो हमारे पास है बहुत है। इस प्रकार जो विवेक से रहता है वो कहीं भी रहे, कहीं भी अपने बंधनों को काट सकता है। जो संबंध है, लगता है संबंध नित्य है, पति पत्नी का संबंध नित्य है, पिता पुत्र का संबंध नित्य है, गुरु शिष्य का संबंध नित्य है, नित्य नहीं है। जो साथ रहते लगता है ऐसे रहेंगे, अचानक छूट जाते हैं। करो रे मनवा दिन की तदबीर, जब जमराजा आने पड़ेंगे, नेक धरत नहीं धीर, मुंगरिन मार के प्राण निकासत, नैनन भरी है नीर, भव सागर एक अगम पंथ है, नदी बहत गंभीर, नाव नबेरा लोक घनेरा, केवट है बेपीर, घर तिरिया अर्धंगी बैठी, मात पिता सुतवीर, माल मुलुक को कौन चलावे, संग न जात शरीर, लेके बोरे नरक कुंड में, व्याकुल होत शरीर, कहें कबीर नर अजहू चेतो, माप हो तकसीर। करो रे मनवा दिन की तदबीर, उस दिन के लिए कौन तदबीर कर रहा, कोई बिरले बिरले करें, सब बदभास पड़े, मालूम होता है यहीं रहना है बस इलाहाबाद में। इलाहाबाद एक लाक्षणिक हुआ, लखनऊ वाली लखनऊ माने बैठे, जो जहां हैं घर बनाए हैं, मालूम होता बस पैर पसार के सो यहीं रहना है, जाका घर है गैल में, सो कस सोवे निश्चिंत। साहब कहते जिसका घर रास्ते में, निश्चिंत क्यों सोए, ये तो काल के रास्ते में, हम यहाँ काल आ जा रहा है, समय का चक्र चल रहा है, बहुत जल्दी उठ जाना है, इसलिए मोह भंग करना चाहिए। मोह भंग करके काम जितना होगा सुंदर होगा, और मोह युक्त जितना काम होगा विकारी होगा। मोही आदमी मिठाई लाएगा तो अपनी पत्नी को देगा, भाभी को नहीं देगा, भयो को नहीं देगा, माँ को नहीं देगा, अपने बच्चे को देगा, भतीजे को नहीं देगा। और मोह नहीं रखता है तो मिठाई लाएगा तो जितना जैसा संभव है सबको देगा, थोड़ा है तो बच्चों को दे देगा, सबको सभी बच्चों को दे देगा, ज़्यादा है तो और सबको बांट देगा। मोह है तो ऐसा नहीं कर पाएगा। व्यवहार के लिए हमें मोह की जरूरत है, ऐसा भ्रम है।
मोह की मात्रा जितनी होगी व्यवहार उतना खराब होगा, और मोह की मात्रा जितनी नहीं होगी व्यवहार उतना उत्तम होगा। दशरथ के मन के मोह ही का कारण है जो भरत की अनुपस्थित में राम को राज देने की सोचे। उनको डर था कि भरत अधिकारी है गद्दी का, क्योंकि वह कैकेयी का जब विवाह हुआ था तो कैकेयी के पिता से हारे थे। कैकेयी के पिता ने कहा था कि जब कैकेयी से उत्पन्न बच्चा गद्दी पर बैठा गया ऐसे आप स्वीकारें तो मैं शादी करूँगा। कैकेयी पंजाब की थी, ब्यास क्षेत्र की। पंजाब के लोग गोरे होते हैं, लंबे होते हैं, इसलिए दुल्हन लाने के लिए पंजाब लोग बहुत जाते थे रजवाड़े। पुराने ग्रंथों में लिखा है, आज भी प्राय मारवाड़ी लोग अपने बच्चों को कहते हैं या धनी लोग, जब उनको लड़की पसंद नहीं होती है तो कहते हैं भैया आपके लिए कहाँ से पंजाबी लड़की ला दें। तो पंजाबी लड़की के मोह में दशरथ जी कैकेयी नरेश से हार गए थे कि कैकेयी से उत्पन्न बच्चा ही अयोध्या की गद्दी में बैठे। ये महाराज राम ने चित्रकूट में भरत को बताया कि गद्दी की अधिकारी तुम ही हो। यही उनके मन का मोह था कि राम को गद्दी हो, भरत को ना हो, और इसीलिए सब गड़बड़ा गया। इस धरती आकाश के बीच में क्षमा नाम की कोई चीज नहीं है, चाहे राजा करे चाहे गरीब, चाहे भगवान करें चाहे भवानी, चाहे साधु करें चाहे गृहस्थ, जो गलत करेंगे फल पाएंगे, किसी के लिए क्षमा नहीं। और सबको फल मिला। महाराज राम और सीता दोनों स्वर्ण मृग पर मोह गए तो कुछ ही क्षण के बाद सीता जी रावण के अंक में पड़ी छटपटा रही हैं और राम बन बन रो रहे हैं। मोह का परिणाम कैसा भयंकर है। तो हम लोग बच जाएंगे, हमारे पूर्वजों ने जो गलतियां की हैं उनसे भी हमें सीख लेना चाहिए और जो अच्छाइयां की हैं उससे भी सीख लेना चाहिए। महाराज राम ने राज्य को ठुकरा दिया, भाई के लिए उदार बर्ताव किया, माता पिता की आज्ञा मानी, ये उनका अनुकरणीय आचरण है हम लोगों के लिए। लेकिन मृग में मोह गए थे, इसे में सावधान रहना, कहीं धोखे में नहीं पड़ना है। तो हम अपने पूर्वजों की अच्छाइयों बुराइयों दोनों से सीख सकते हैं। गृहस्थी का दायरा बहुत बड़ा है, गृहस्थी के विषय में जितना कहा जाए कम है। गृहस्थी से ही विरक्त लोग होते हैं कुछ लोग, जो विरक्त हों वे सही विरक्त हों। विरक्त होने की जिनकी भूमिका हो, जिनकी रुचि हो, खाने पीने के लोलुप न हो, पैसा कौड़ी के लोलुप न हो, जिस घर को छोड़े उस घर परिवार में मोह उनको न रहे, जादू टोना जंतर मंतर न करे, कोई नशा का सेवन न करे, वे किसी वैराग्यवान पुरुष की शरण लें और उनकी शरण में रह करके साधना करें। कुछ ऐसे होते हैं उत्साही नवयुवक, घर छोड़ दिए, देखा देखी, गुरु महाराज के पास आ गए। अब गुरु महाराज के पास रहने में नियम से चलना है तो स्वतंत्र घूमने लगे, ये अपना पतन है। साधक को किसी वैराग्यवान की शरण में रह करके साधना करना चाहिए, सेवा स्वाध्याय साधना करके अपना कल्याण करना चाहिए। गुणातीत अवस्था है निष्काम अवस्था, वो सबका लब्बो लबाव है। हद चले सो मानवा, बेहद चले सो साध, हद बेहद दो तजे ताकर मता आगाध। मैंने कहा था गृहस्थी पर ही बहुत कुछ कहना चाहिए, विरक्ति पर तो कोई खास नहीं कह पाया। गुणातीत अवस्था है, गुणातीत अवस्था का अर्थ होता है निष्काम अवस्था, जिसकी चर्चा मैंने बीच में भी की। मन ऐसा हो जाए कि मरना जीना बराबर लगे, मरना कुछ नहीं, आत्मा अमर है, ये शरीर हड्डी का ढांचा चाम का थैला छूट जाएगा, इससे तो हमें परेशानी है, कोई फायदा नहीं। शरीर में क्या रखा है, शरीर से जो फायदा लेना था वो साधना थी, वो कर लिया, कृतार्थ आत्मा हो गया, कृत कृत तृप्त।
अब न कुछ करना है न पाना है, न देखना है न सुनना है न भोगना है, तृप्त काम, आप्त काम, पूर्ण काम, निष्काम, ये अवस्था गुणातीत अवस्था है। गुणातीत अवस्था का मतलब पूर्ण निर्मोह अवस्था, ये सर्वोच्च अवस्था है। और इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए हर इंसान अधिकारी, नर हो नारी हो, गृहस्थ हो विरक्त हो, सब ये बोध साधना से संभव है। ऐसे बोधवान सदगुरु